खबर कौसाम्बी से है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की काजल बनी एक दिन की डीएम। सुनी लोगों की समस्याएं और अधिकारियों को दिए निर्देश। आपको बता दें कि यूपी के कौसाम्बी जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय कसिया की कक्षा 9 की छात्रा काजल को एक दिन का डीएम बनाया गया है। शासन के निर्देश पर डीएम मधुसूदन हुलगी ने काजल को एक दिन के लिए अपनी कुर्सी दी और काजल के बगल में अपनी कुर्सी लगाई। इस दौरान एक दिन की डीएम बनी काजल ने सुनवाई के लिए आए लोगों की जनसमस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उनके साथ डीएम वित्त अरुण कुमार गोंड, एडीएम न्यायिक प्रबुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है लगातार, और इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी महिलाएं, बच्ची, लड़कियां ये भी पढ़ाई करके आगे जा सकते हैं, अपने लाइफ में, करियर में बहुत आगे बढ़कर बहुत अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसी एग्जांपल खड़ा करने के रूप में हमने केजीबीवी की एक बच्ची थी, काजल नाम है उसका, 9th स्टैंडर्ड में है वो, आज कलेक्ट्रेट में बैठ के डीएम की कुर्सी पे बैठ के उन्होंने पूरा चेक किया और लोगों से वार्ता की और शिकायतों को संबंध में हमसे पूछा कि राजस्व मैटर कैसे होता है, कहाँ सॉल्व होता है, निवास प्रमाण पत्र, जाति पत्र कहाँ से बनता है और शिकायतों को कैसे निस्तार किया जाता है। कुछ लोग अपनी रोड की समस्या लाए थे, ये सब चीज़ें ग्रास रूट समस्या, जब इनको पता चल जाता है तो ये लोग आगे बढ़कर जब नौकरी में आएंगे या इनको ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता भी रख सकते हैं, इसीलिए वो था। और एक अब नवरात्रि का ये भी चल रहा है जहाँ पे हम लोग लगातार दुर्गा माता को पूजन भी करते हैं, और एक एग्जांपल भी है हमारी नारी कि वो भी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकती है। ये एग्जांपल सेट करने के लिए ये आज ये अभियान चलाया गया है। हम लोग और लगातार यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, परिषदीय विद्यालय के बच्चियों को भी बुलाएंगे, नवोदय विद्यालय के बच्चों को बुलाएंगे और DIS वाले विभाग से भी हम लोग बच्चियों को बुलाएंगे और उनको एक अवसर देंगे यहाँ बैठ के जन शिकायत सुने, ग्रास रूट प्रॉब्लम को समझे, ताकि वो आगे बढ़कर सोसाइटी को वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। कौसाम्बी से सनी राज वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।